अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ हम क्रिस्पी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद आलू, एक ही साइज़ में तकरीबन कटे हुए, बहुत पतले भी नहीं काटने और बहुत मोटे भी नहीं रखने, तो मैंने साइज़ के आलू काट लें। उसके बाद हमें चिकन चाहिए, जिसको हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के और 1/4 टीस्पून नमक डाल के और लहसुन अदरक पाउडर आधा चम्मच डाल के, दोनों को मिला के आधा चम्मच डाल के तो हमने फ्राई करके रख लिया है। और ये तकरीबन हाफ कप से कम चिकन है। और इसके लिए हमें, हमने जो वाइट सॉस बनानी है उसके लिए हमें दूध चाहिए तकरीबन 1 कप, और उसमें हमें नमक चाहिए तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, 1/4 टीस्पून हमें वाइट पेपर चाहिए और 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, बेजिल, ओरिगेनो, रथाइम, जो भी आपको पसंद है ये मिक्स हर्ब्स 1/4 टीस्पून चाहिए। और हमें चीज़ चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। अब हम आलू में तकरीबन आधी चम्मच नमक डालेंगे, आधी टीस्पून, और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया आलू के साथ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया और हम इसमें आलू डालेंगे, स्लाइस डालेंगे और इनको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब हल्के हल्के गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे, उसके लिए हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन या ऑयल चाहिए। मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन लिया और 1 टेबल स्पून ऑयल लिया। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे। मैदा थोड़ा भून चुके हैं, अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें भी जो इसमें डालनी है, नमक, वाइट पेपर और मिक्स हर्ब्स, ब्लैक पेपर और चीज़। इसको हल्की आंच पे बनाने और थोड़ा सा गाढ़ा करना। फ्राइज तैयार है, अब हम इनके ऊपर चिकन को डालेंगे और सबसे ऊपर वाइट सॉस डाल के आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्राइज तैयार हैं, उनके ऊपर हमने चिकन भी डाल दिए और अब हम सबसे ऊपर वाइट सॉस डालेंगे। आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे बच्चे ऑलिव्स नहीं इतना पसंद करते तो मैंने नहीं डाले। आप इसमें किसी तरह के भी ग्रीन जब लें कोई से भी ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे लोडेड फ्राइज तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।